Okay. Good afternoon to each and every one of you. Kiasehe ab oh, Are we live? Oh yes. Yes, yes, yes. Good afternoon, everyone. Muskan Kazi Pranith. good afternoon. Highest marks in taxation and exam-oriented studies. Absolutely correct. Absolutely correct, Bath Bol ho, aap log. Absolutely correct, baat bol ho. So good afternoon to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Yes. बहुत बढ़िया सो so, मैं काम करता हूं यहां पर मैंने लिंक पिन कर दिया है ठीक है राइट ग्रेट सो हम लोग फटाफट से अपना एम रिवाइज करेंगे और हमारा एम क्या है हमारी शपथ क्या है हमारा प्रण क्या है हमारी कसम क्या है हमारी कसम यह है कि हम हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन लेकर आएंगे और हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज पर फोकस करेंगे ये हमारी कसम है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हम सभी लोग यहां पर कल पढ़ी हुई चीजों के बेसिस पर क्विज के लिए तैयार है क्या हम सभी लोग कल पढ़ी हुई चीजों के बेसिस पर अभी आज इस समय क्विज देने के लिए तैयार है ये सुनो

barter yeah lease? absolutely right b b gift q q key section 7 1 a supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale transfer barter exchange license rental lease disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business okay? Very the answer is gift next which does not which uh, what does the term consideration in the context of gst imply फॉर्मल अग्रीमेंट वॉलेंटरी सर्विस एनीथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर अ सप्लाई या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन का क्या मतलब हो जाता है कमॉन कमान एवरी वन सी एब्सोल्यूटली एनीथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर अ सप्लाई परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सप्लाई इवन बिफोर द एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस माई गॉड प्रॉमिस टू सप्लाई इन द फ्यूचर एन इंक्वायरी अबाउट सप्लाई एडवांस मनी रिसीव यान ऑफ इंटेंट टू सप्लाई बिल्कुल सही जवाब एडवांस मनी रिसीव जैसे ही एडवांस मनी आ जाता है तो यह सप्लाई हो जाता है इवन इफ एडवांस मनी इज रिसीव इट इज रिपीटेड एज अ सप्लाई इंडिकेटिंग ऑफ द सप्लाई प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड लीजिंग वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड लीजिंग कम ऑन कम ऑन एवरी वन रेंटिंग और लीजिंग में क्या फर्क है रेंटिंग और लीजिंग में क्या फर्क है रेंटिंग अलाउज फॉर ओनरशिप लीजिंग डज नॉट रेंटिंग अलाउस फॉर नेसेसरी चेंजेस रेंटिंग डज नॉट रेंटिंग इज अ लॉन्गर टर्म लीजिंग इज शॉर्ट टर्म लीजिंग इज चीपर दैन रेंटिंग ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट लीजिंग अलाउस फॉर नेसेसरी चेंजेस। लीजिंग में जब आप लीज करते हो कोई चीज़ तो आप उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो रेंटिंग में नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट रहा इन द लिस्ट ऑफ सप्लाई फॉर्म विच ऑफ स्पेसिफिकली स्पेसिफिकलीशन एज नॉट बींग एक्टिव इन द लिस्ट ऑफ सप्लाई फॉर्मुटली राइट ऑल ऑफ द ठीक है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जॉस्टिव है ये सारी चीजें इंक्लूसिव है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डार्टर इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी वट डार्टर इन्वॉल्व इन दी एस टी सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर मनी सप्लाई ऑफ services फॉर मनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर अर गुड्स ऑफ सर्विस या डोनेशन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज एब्सोलूटली राइट लविंग the लविंग द स्पीड इन द चैट सेक्शन प्रिया मनीष सहेली मोहित रौनक वानी प्रज्ञा श्रद्धा सौरभ भूमिका अल्फिया राजेश केशव ग्रेट okay option c is the answer next how is consideration defined in the context of inducement how is consideration defined in the context of inducement only monetary payment only non-monetary benefits any payment made whether in money or otherwise strictly in terms of goods supplied option c absolutely correct any payment made whether in money or otherwise next question which of the following is not considered consideration under gst subsidy from the government payment in kind advanced payment your monetary value of forbearance फॉलोविंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन ब्रिलियन ब्रिलियंट गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी वगैरह मिलती है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले तो उसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं कंसिडर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म डिस्पोजल मीन इन दफ सप्लाईनलीफ स्ट्रोइंग अवे द गुड्स सेल प्लेज और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ अ थिंग डोनेटिंग गुड्स विदाउटीविंग एनीथिंग इन रिटर्न या ट्रांसफरंग ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन बियर का मतलब होता है क्षितिज के कोई काम करना कोई काम नहीं करना फोर बियर फोर मतलब है कि मैं काम नहीं ठीक है? एक्ट करने का मतलब मैं ये का मतलब काम नहीं करना ठीक है तो ऑप्शन बी सेल प्लेज और एनी अदर डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ थिंग वेरी नाइस एंड दैट इज इट एंड दैट्स इट अब हम लोग एक बार फिर से अपना गोल रिवाइज करेंगे कि हमारा एम क्या है हमारा गोल क्या है हमारा अभी फिलहाल इन क्लासेस से हमारा एम क्या है हम लोगों का गोल क्या है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे फिर हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे क्या है हमारा एम क्या है हमारा एम हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज वेरी गुड प्रथम ऋतिका श्रुतिका सईदा मनीष वेरी नाइस हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज ये हमारा एम है आओ शुरू करते हैं तो हम लोगों ने कल सेक्शन 7 से स्टार्ट किया था ठीक है हम लोगों ने कल सेक्शन 7 से स्टार्ट किया था और सेक्शन 7 के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार सबसेक्शंस होते हैं इसके अंदर चार सबसेक्शंस होते हैं 1 1 ए 2 और 3 ठीक है आप लोग सिर्फ मेरे साथ ये देखते रहो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा सब रिवाइज हो जाएगा ये बताता है सप्लाई इंक्लूड्स ये क्या बताता है ये बताता है सप्लाई इंक्लूड्स और इसके अंदर भी चार क्लॉजेज आ जाते हैं इसके अंदर भी चार क्लॉजेज आ जाते हैं ए ए ए बी और सी ठीक है ए ए ए बी और सी ये इसके अंदर चार क्लॉजेज आ जाते हैं ए बात करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल ठीक है मेड और अग्रीड टू बी मेड चाहे आपने दे दिया हो चाहे आपने बस एक अग्रीमेंट किया हो कि हाँ मैं करूंगा फॉर अ कंसिडरेशन कंसिडरेशन जरूरी है ए पर्सन पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो, uh, जो कराने के मतलब अलावा uh, नहीं होना चाहिए आओ हम लोगों ने कल यहां तक बात कर ली थी कल हम लोगों ने तक बात कर ली थी आज हम लोग पर्सन का मतलब समझेंगे तो हम लोग जैसे जैसे जब आगे बढ़ेंगे तो एक सेक्शन आएगा मेरे हमारे पास 22 और एक सेक्शन आएगा 24 ठीक है सेक्शन ट्वेंटी टू में वो चीज लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर आप गुड्स बेचते हो और आपका टर्न ओवर लाख क्रॉस कर जाता है तो यू बिकम लाइबल टू गेट योर रजिस्टर्ड और अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो सर्विस बेचने पर अगर आपका टर्न ओवर लाख को क्रॉस कर जाता है तो यू बिकम लाइबल टू गेट योर रजिस्टर्ड आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना अगर आपको ये थोड़ा सा कम याद है या कुछ भी है क्योंकि इतनी बार यहां पर ये चीजें रिपीट होंगी कि आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली याद आता जाएगा ठीक है एंड इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हार्डली चार नंबर के क्वेश्चन में से ठीक है समझना बात को मिली मैं फिर से बता रहा हूं हार्डली चार मार्क्स के क्वेश्चन में से लेकिन फिर भी और वो भी अगर कभी आया तो आया राइट तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लेकिन वो फोर मार्क्स को करने के लिए हम लोगों को ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि वंस वी अंडरस्टैंड एक्सैक्टली व्हाट दिस चैप्टर इन तभी हम लोग आगे वाले चैप्टर्स को समझ पाएंगे अगर हम लोगों ने इस वाले चैप्टर को छोड़ा कि अरे यार सिर्फ चार नंबर का आएगा इसके लिए कि अब चार नंबर के लिए हम इतनी सारी क्लासेस क्यों कर रहे हो तो फिर हमें आगे वाली चीजों को समझने में दिक्कत होगी ठीक है इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना जहां जहां पर एग्जाम और मैंने आपको बताया एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज हम लोग करेंगे तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है कई सारे लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं यार इतनी ज्यादा थ्योरी है कैसे याद रहेगी कैसे लिखेंगे क्या होगा वगैरह वगैरह मेरी गारंटी है आप लोगों को मेरी गारंटी है कि जब मैं बोलूंगा ना कि देखो अब तुम्हें याद हो चुका होगा तब तुम्हें याद हो चुका होगा ठीक है तब तो मैं ऑटोमेटिकली याद हो चुका होगा बिकॉज एवरी डे इट्स माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों के सामने आके ये वाला चार्ट बनाऊं जिससे आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बार 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 बैठती रहे ठीक है इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ दिस इन जस्ट वन सिटिंग तो ये धीरे धीरे करके आप लोगों को चीजें समझ में आती रहेंगी राइट रहे? तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी डू नॉट वरी एट ऑल और ये आप लोग खुद अमीज हो जाओगे कि जब आप एग्जाम लिखोगे ना तो एग्जाम में लिखने में आप जब आंसर लिखोगे तो आपको आंसर लिखने में ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज सब कुछ याद आ चुका होगा तो बिल्कुल चिंता मत करो बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते रहो ठीक है तो एक सेक्शन ट्वेंटी टू है कि अगर आप गुड्स बेच रहे हो और आपका लाख को क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर आप सर्विस बेच रहे हो और आपका टर्न ओवर लाख को क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑफकोर्स सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सेक्शन ट्वेंटी में और भी बहुत सारी चीजें बहुत सारी और कंडीशन है बहुत सारी चीजें लेकिन इनको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है फिर ये एक सेक्शन ट्वेंटी फोर आता है सेक्शन ट्वेंटी फोर कहते हैं कि तुम लोगों को इन इन लोगों को तो डेफिनेटली रजिस्टर कराना पड़ेगा इन इन लोगों को तो डेफिनेटली रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है आई होप ये वाली बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है ठीक है अदरवाइज अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है डन चलो तो अब यहां पर लॉ ने कहा कि अगर आप सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो गए हो तो यूर अ टैक्सेबल पर्सन सिंपल एज दैट ठीक है तो यूर अ टैक्सेबल पर्सन तो पर्सन हियर मींस अ टैक्सेबल पर्सन प्लीज नोट दैट वे टॉकिंग अबाउट द सप्लायर ठीक है यहां पर सप्लायर के बारे में बात हो रही है जो मतलब सर्विसेज दे रहे हैं गुड्स दे रहा है The supplier must be a taxable person. If, the, if he supplies goods or services to a non taxable person, then also there is a supply and GST provisions are applicable. A taxable person means who is registered or liable to be registered under sections 22 or section 24. Therefore, even if a person is not registered but is liable to be registered, he is considered to be a taxable person and GST provisions apply. For a supply to attract GST, the supply must also be taxable. Taxable supply means any supply of goods or services or both which is liable to tax under GST law. इसमें कुछ खास asset समझने वाला था नहीं, ठीक है? अब last clause इसका जो है, last जो line है, वो बोलता है, in the course or furtherance of business.

अगेन इसमें बहुत ज्यादा डीप में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर ये वाला पॉइंट भी बता दो ये वाला पॉइंट भी बता दो ये वाला भी बता दो जितने जितने पॉइंट्स अभी आप लोगों के लिए रेलिवेंट होंगे उतने, उतने सारे पॉइंट्स में आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसे बिजनेस इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक ट्रेड कॉमर्स मैनुफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर और एनी सिमिलर एक्टिविटी वेदर नॉट इट इट इज फॉरिट्री गेन अब हो सकता है आप लोगों के मन में आए कि सर ये ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर वेजर इन सबका क्या क्या मतलब है तो जैसे सर आपने सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल का मतलब बताया था उसी तरह से आप यहां पर भी एक एक चीज का मतलब बता दो ना नहीं क्योंकि जरूरी नहीं है ठीक है क्योंकि जरूरत ही नहीं है बस अभी हम लोगों को इसको एक बार के लिए बस चीजों को रीड कर लेना है ठीक है और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा अभी आपको मोटा मोटी एक समझ में आ रहा है कि भाई बिजनेस का मतलब होता क्या है ठीक है नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड एनी एक्टिविटी और रिलेटेड टू एक्टिविटीज तो ये जितनी सारी एक्टिविटीज बोली इनसे अगर कुछ भी रिलेटेड है कोई एक्टिविटी तो उसको भी बिजनेस बोल लेंगे बाकी पता है ज्यादा क्लैरिटी कैसे आएगी जब अभी इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि जब इसके बाद हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर समझ में आएगा अच्छा इसको भी बिजनेस बोल रहा है क्या अच्छा इसको भी बिजनेस बोल रहा है क्या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा नहीं सर ये तो बिजनेस नहीं होना चाहिए तो हम लोग वहां पर क्या रूल फॉलो करेंगे सर्किट का रूल फॉलो करेंगे कि भाई ने बोला करने का तो करने का आईसीएआई ने बोला बिजनेस तो बिजनेस क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या ये बात क्लियर हो रही है ठीक है भाई ने बोला करने का तो करने का तो हम लोग एकदम सर्किट बन जाएंगे और हम लोग बोलेंगे आईसीएआई ने बोला है तो है आईसीएआई ने बोला नहीं है तो नहीं है सिंपल ठीक आओ देखो

या जब आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हो बंद करते समय जब आप ये एसी वगैरह को बेच रहे होते हो तो इसको भी इस पूरे को भी बिजनेस ही बोला जाता है क्लब्स एसोसिएशन सोसाइटीज और सिमिलर बॉडीज प्रोवाइडिंग मेंबर्स इन एक्सचेंज फॉर अ बिजनेस अब सुनो तो कई सारे क्लब्स होते हैं ठीक है कई सारे हमारे पास क्लब्स होते हैं तो उन क्लब्स में क्या होता है कि मेंबर्स होते हैं और उन क्लब्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको वो क्लब सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लब के मेंबर्स को क्लब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले पैसा ले रहा है ना तो ये बोला जाएगा देखो भाई क्लब तुम बिजनेस कर रहे हो क्लब ये नहीं बोल सकता कहा ऐसे तो ऐसे दोस्तों में मतलब ये तो दोस्त है हमारे ये सारे के सारे मेंबर्स है मतलब हम तो ये थोड़ी बोले हमारे कस्टमर्स है हम तो बोल रहे हैं हमारे मेंबर्स है तो अगर मेंबर्स है तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करके हम सब एक अपना संगठन सा बना लेते हैं और यहाँ पर मिलते हैं गोल्फ खेलते हैं अमीरों वाली बातें करते हैं क्लब में क्लब में कौन सा है आपको कौन या bodies, जो या कर रही अपने को और उनसे सब्सक्रिप्शन ले रही है या कंसिडरेशन ले रही है तो इसको भी बोला जाएगा कि बिजनेस ही कर रही है, है। श्रुतिका कह रही है सर ने बोला बिजनेस है तो बिजनेस है ओके थैंक यू ठीक है चार्जिंग पीपल फॉर एंट्री टू इज अ बिजनेस एक्टिविटी तो अगर मैं किसी भी मेले के बाहर खड़ा हो जाऊं और टिकट बेचना शुरू कर दूं और मैं कहूंगा कि बिना टिकट के आप मेले के अंदर नहीं जा सकते तो मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं ठीक है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन इन देयर कैपेसिटी एज ऑफिस होल्डर रिलेटेड टू देयर ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन आर कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी

एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन दर कपैसिटी एस पब्लिक अथॉरिटी इज ऑल्सो कंसर्ड अ इज ऑलो कंसिडर्ड एज अ बिजनेस तो सेंट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट या कोई भी लोकल अथॉर्टी अगर कुछ भी काम कर रही है तो उसको भी बोला जाता है कि वो बिजनेस कर रही है in summary business includes any activity or transaction related to trade commerce manufacture profession vocation adventure wager or similar activities additionally any activity carried out by central government state government or local authorities in their role as public authorities also is also considered as business frequency volume continuity regularity of transactions is not a requirement for an activity to be classified as business in terms of trade commerce or similar activities okay above question number three

आर्ची आदित्य जीनल अंश मुस्कान संकेत तनिशा सईदा सईदा तो कह रही है आदित्य नो रौनक यस भूमिका नो यस शिवराज नो तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नो और एकदम सही बात है नो ठीक है दिस एक्टिविटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एक्टिविटी क्यों क्योंकि जो सप्लाई कर रहा है क्या वो अपने कोर्स और इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस में कर रहा है जो बंदा सप्लाई कर रहा है जैसे ऋषभ है तो इसका मतलब ये थोड़ी के रिशब सप्लाई कर रहा है या का बिजनेस कर रहा है ऋषभ ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी भाई मैं भी मेरे, मेरी भी अगर मुझे नई गाड़ी लेने का मन होगा तो मैं अपनी पुरानी गाड़ी कहीं तो ठिकाने लगाऊंगा इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में कर रहा हूं ठीक है तो दिस इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरस ऑफ बिजनेस तो इसलिए दिस इज नॉट अ सप्लाई दिस इज नॉट अ सप्लाई दिस इज नॉट अ सप्लाई नेक्स्ट मनी का सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स इज दिस अ सप्लाई फटाफट से बताओ मुझे मनी का ने अपने पुराने गोल्ड बैंगल्स और इरिंग्स आभूषण ज्वेलर्स को बेच दिए क्या यह सप्लाई है एब्सोल्युटली राइट ठीक है ध्यान रखना ट भले ही बिजनेस कर रहा हो यहां पर ऊपर भी रेसिपियंट जो कार डीलर है वो भले ही बिजनेस कर रहा हो लेकिन हम देखेंगे कि सप्लायर क्या सप्लायर ने अपने कोर्स और फर्दरेंस में किया है क्या सप्लायर ने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ इस बिजनेस में किया हुआ है नहीं तो इट्स नॉट अ सप्लाई सिमिलरली यहां पर मनी करणिका ने अपने पुराने गोल्ड के बैगल्स और ईयर बेचे किसको बेचे एक ज्वेलर को बेचे जो ज्वेलर है उसका तो धंधा है लेकिन यहां पर सप्लायर कौन है यहां पर सप्लायर मनी करने का है

आंसर इज येस दिस इज सप्लाई अब देखो यही वाली बात है आपके मन में आएगा कि सर क्यों ये तो एक्टर है पेंटर थोड़ी है आपके मन में आएगा कि क्यों सर ये तो एक्टर है ये पेंटर थोड़ी है और ये तो इसने तो एक ही बार किया पेंटिंग तो यहां पर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में साफ लिखा हुआ है कि भाई देखो यहां पर हमने साफ बोला था यहां पर हम लोगों ने साफ बोला था कि फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ ऑफ इज नॉट अ रिक्वायरमेंट और इन फॉर एन एक्टिविटी टू बी क्लासिफाइड एज बिजनेस टर्म्स ट्रेड कॉमर्स और सिमिलर एक्टिविटीज तो ये जो एक्टर है ये जो एक्टर है अगर ये एक बार पेंटिंग बनाकर पेंट कर दे रहा है तो ये उसका वोकेशन मान लिया जाएगा मतलब इसने शौकिया तौर पर वोकेशन का मतलब होता है जो आप जो काम आप शौकिया तौर पर कर रहे हो ठीक है तो इसने पेंटिंग्स बनाई शौकिया तौर पर इसने पेंटिंग्स बनाई और उन पेंटिंग्स को बेच दिया तो इसको बिजनेस माना जाएगा इवन दो ये एक ही बार हो रहा है फिर भी इसको बिजनेस मान लिया जाएगा व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट जो भी उससे पैसा आएगा वो इस चैरिटी में करेगा उससे क्या फर्क पड़ता है आप पैसा कमाओ सरकार को टैक्स दे दो जितना बचा उसके बाद वाद वाद आप चैरिटी में दे दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो यहां पर अगर उसने पेंटिंग बनाई और एक बार पेंटिंग बनाकर बेच दी तो इवन दो इट इज अ वन टाइम अक्रेंस इट विल स्टिल बी क्लासिफाइड एज सप्लाई इट विल स्टिल बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ठीक है इट्स अ वोकेशन तो ये वोकेशन के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया जाएगा और इसको सप्लाई बोला जाएगा नेक्स्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड सर्विस ऑफ डिपॉजिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेडेंट्स इन लू ऑफ समल चार्जेस क्या ये सप्लाई है अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या होता है तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज इन sense जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होती हैं ना अपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर सब लोग रहते हैं तो वहां की आ, उन अपार्टमेंट्स की सोसाइटी बनी होती है जैसे नोएडा में एक बिल्डिंग है एक्सप्रेस ग्रीन टावर्स तो वहां की एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ई एक्सप्रेस ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ठीक है अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि हम एक काम करेंगे तुम लोग कहां अपना बिजली का बिल जमा करने जाओगे बिजली घर इतनी लंबी लंबी लाइन में लगोगे तुम एक काम करो तुम सब लोग अपने बिजली का पैसा जितना भी देना है तुम हम लोगों को दे दो हम एक बंदा भेजेंगे और तुम सबके फ्लैट का बिजली का बिल हम जमा करवा देंगे लेकिन हाँ क्योंकि हम तुमको ये सर्विस दे रहे हैं इसके बदले तुम हमें थोड़ा बहुत कंसिडरेशन दे दो ठीक है तो आप लेते सौ रुपए का कंसिडरेशन दे दो और बाकी अपना बिजली का बिल दे दो आपका बिजली का बिल जमा करवा देंगे आपको ना तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा ना मेहनत करनी पड़ेगी और, यह, यहां से वहां जाने में आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा कुछ नहीं होगा आप बस सौ रुपए मुझे दे दो तो अब मैं क्या कर रहा हूं कोई भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या कर रही है वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसके बदले में क्या ले रही है उसके बदले में ले रही है कंसिडरेशन क्या इसको सप्लाई बोला जाएगा क्या इसको सप्लाई बोला जाएगा परफेक्ट यस सप्लाई दे आर चार्जिंग फी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्षितिज ठीक है और यहां पर तो साफ साफ बोला ही था ना यहां पर तो साफ साफ बोला था ये देखो ये देखो क्लब्स एसोसिएशन सोसाइटीज और सिमिलर बॉडीज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू बेनिफिट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू देयर मेंबर्स इन एक्सचेंज फॉर अ सब्सक्रिप्शन और कंसीडरेशन आर कंसीडर्ड एज कंडक्टिंग बिजनेस ठीक ये हो गया नेक्स्ट

आदित्य विद्या करिश्मा प्रियांशी आर्ची सहेली संकेत भूमिका आदित्य श्रेया सहीदा एब्सोल्युटली राइट ठीक है एडमिशन टू इवेंट्स ये तो यहां पर हम लोगों ने देखा ही था के 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 कहा गया अभी पता नहीं कहा गया कहीं तो था आई कैंट फाइंड इट चलो कोई बात नहीं लेकिन कहीं तो था ठीक है कहीं तो था चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट रॉयल टर्फ रेस क्लब इज एंगेज इन फेसिलिटेटिंग ऑन हॉर्सेज प्लेज थ्रू अ टोटलाइजेटर फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फेसिलिटेटिंग वेजरिंग ट्रांजेक्शन रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट्स कमीशन विच इज डिडक्टेड एंड रिटेन बाई द क्लब फ्रॉम द टोटल बेट वैल्यू इज दिस सप्लाई दिस इज अ सप्लाई ठीक है दिस इज डेफिनेटली अ सप्लाई

कोई हैंड रेस करके बात करेगा कोई मुझे इसकी डेफिनेशन सुनाएगा कोई डेफिनेशन सुनाएगा बिना पढ़े हैंड रेस करके कोई डेफिनेशन सुनाना चाहेगा पक्का 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 हाँ तो हैंड रेस करो हैंड रेस करो आई वुड लाइक टू हियर द डेफिनेशन एकदम चतुर राम लिंगम की तरह से आपको डेफिनेशन सुनानी है ठीक है बिल्कुल चतुर की तरह से आपको डेफिनेशन सुनानी है ऑन रेज योर हैंड कोई हाथी नहीं उठा रहा है यार कोई हाथी नहीं उठा रहा ऐसे क्यों मुस्कान कह रही है, आई मिस समथिंग कोई बात नहीं मुस्कान सर फिर कभी अच्छा <laughs> अच्छा क्यों भाई वाई फिर कभी वाई नॉट अभी के अभी अबे अभी तो इतना बढ़िया हुआ कमॉन 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 डोंट बी स्केट गैस कमॉन उठाओ उठाओ हाथ उठाओ ले नो वन चलो कोई बात नहीं मेरे साथ साथ बोल लो फिर सर सेम अच्छा कोई बात नहीं अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है. कोई बात नहीं इट्स ओके नॉट येट लर्न इट कोई बात नहीं इट्स ओके इट्स एब्सोल्युटली फाइन ठीक है बिल्कुल चिंता ना करें तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल, लीज डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन, इन दर्स रोनक कह रहे में हूं इसलिए नहीं उठा रहा हूं। कोई बात नहीं समझ में तो आ गई है ना <coughs> समझ में तो आ गई ना ऑनेस्टली बता दो मुझे समझ में तो आ चुका है यस yes? एवरी वन इन द चैट सेक्शन समझ में तो आ चुका होगा परफेक्ट वेरी नाइस सेक्शन सेवन वन ए हो गया सेवन वन ए ए हम लोग बाद में करेंगे काटना ही चाहिए सेवन वन ए ए हम लोग बाद में करेंगे हम आते हैं सेक्शन सेवन वन बी पर अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना हम लोगों ने दो तीन चीजें बोली थी कि देखो एक तो ंसिडरेशन होना चाहिए ठीक है और ये बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए मतलब इट शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ठीक है इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस तो शुड बी फर्दिडरेशन एंड इट शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये दो एक ये दो वर टू ऑफ द मेजर कंसिडरेशन जो उसकी डेफिनेशन में थी ठीक एक ऐसी एक्टिविटी है एक ऐसी एक्टिविटी है एक ऐसी एक्टिविटी है एक ऐसी जो अगर बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं भी की जाए लेकिन कंसिडरेशन है फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा ठीक है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर बिजनेस के पर्पस से नहीं भी किया जाए लेकिन फिर भी अगर उसमें कंसिडरेशन है तो उसको सप्लाई माना जाएगा एंड दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मैं आपको मतलब बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स देता हूं कुछ अपनी रियल लाइफ के देता हूँ कुछ अपने दोस्तों के रियल लाइफ के एग्जांपल्स देता हूँ मेरा एक दोस्त है उसका नाम है प्रतीक गर्ग मेरा एक दोस्त है उसका नाम है प्रतीक गर्ग वो यूएस में कहीं तो एमबीए के लिए अप्लाई करने वाला था यूएस में कहीं पर तो एमबीए के लिए वो अप्लाई करने वाला था

इन सारी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं तो यूएस का यूएस में अगर कोई बैठा हुआ है कंसल्टेंट या काउंसिलर अगर यूएस में कोई काउंसिलर बैठा हुआ है अगर यूएस में कोई काउंसिलर बैठा है सपोज मुझे एमबीए करना है मैं यूएस के किसी काउंसिलर को फोन करता हूं उससे मैं कॉन्टेक्ट करता हूं मेल वेल आईडी पे बात होती है और मैं उससे कहता हूं कि देखिए यू हेल्प मी इन गेटिंग थ्रू दिस एमबीए कॉलेज ठीक है मैं यूएस के काउंसिलर से कह रहा हूं यू हेल्प मी इन गेटिंग थ्रू दिस एम बी ए कॉलेज एंड आई विल पे यू योर फीस सिंपल आई विल पे यू योर फीस आप मुझे इस मेडिकल इस एम बी ए के कॉलेज में एडमिशन लेने में आप मेरी हेल्प करो और मैं आपकी मदद कर मैं आपकी फीस वगैरह पे कर दूंगा तो मतलब ब, ब, मदद करो इन द सेंस क्या कोई जैक वैक नहीं लगाओ मतलब आप मुझे बताओ कि वो कॉलेज किस तरह का ऐसे चाहता चाहता है है वो कॉलेज कॉलेज किस तरह की एप्लीकेशन उस के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे तो फिर मैं उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकता हूं वगैरह वगैरह इस टाइप की चीजें तो मैंने इस काउंसिलर से कहा कि आप मुझे ट्रेन कर दीजिए आप मुझे हेल्प कर दीजिए आप मुझे गाइड कर दीजिए कि मैं किस तरह से इस कॉलेज के एडमिशन टेस्ट को क्रैक कर सकता हूं राइट right? इस काउंसिलर ने प्रतिकर्ग को इस काउंसिलर ने प्रतिकर को सर्विसेज सप्लाई की और प्रत्येक ने इसको कुछ डॉलर्स लेट्स डॉलर हंड्रेड डॉलर प्रति पे कर दिया सर्विसेज कहां से ली ये सर्विसेज यूएस के काउंसिलर से ली तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया बिल्कुल हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज गुड्स नहीं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कि मैंने सर्विसेज को इंपोर्ट किया देश के बाहर से मैं देश के अंदर सर्विसेज को लेकर आ रहा हूं क्या कंसिडरेशन पे की गई बिल्कुल पे की गई हंड्रेड डॉलर यहां पर पे किए गए लेकिन क्या यह प्रतीक के बिजनेस की वजह से प्रतीक ने पे किया है बिजनेस का कोई एंगल नहीं है यह तो पर्सनली वो इस कॉलेज में जाना चाहता था ना और पर्सनल पर्पज के लिए इसने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को किया और उसको हंड्रेड डॉलर पे किए लेकिन लॉ कहता है कि इसको भी सप्लाई माना जाएगा लॉ कहता है इसको भी सप्लाई माना जाएगा ठीक है ये तो हो गई एक बात प्रतीक घर की अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं मुझे दो साल पहले मन किया कि मैं CFA करता हूं मन किया कि मैं CFA करता हूं फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो सी एफ ए का मतलब होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट तो फाइनेंस वर्ल्ड में ये दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है ठीक है जैसे इंडिया में अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह के लिए सीए सबसे बड़ी डिग्री है दुनिया में जो सबसे बड़ी डिग्री अकाउंटिंग वगैरह के लिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग टैक्सेशन के लिए वो है सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो यूएस करवाता है और अगर फाइनेंस वर्ल्ड में कोई सबसे बड़ी डिग्री अगर लेना चाहता है तो वो है सीएफए मैंने कहा मैं सीएफए करूंगा तो जैसे हम लोगों के इंटरमीडिएट से फाइनल होता है उसी तरह से सीएफए में भी तीन लेवल होते हैं लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री ठीक है अब सी ए सी एफ ए लेल वन के लिए अब सी एफ ए लेवल वन के लिए मैंने फीस वगैरह पे कर दी सी एफ लेवल वन के लिए फीस वगैरह पे कर दी किसको पे की सी एफ एंस्टीट्यूट को पे की तो अब सी एफ ए इंस्टीट्यूट मुझे सर्विसेज दे रहा है कि मैं उसका एग्जाम दे सकता हूं और मैं उस सर्विसेज के लिए सी एफ एंस्टीट्यूट को पैसा दे रहा हूं ठीक है सी एफ एंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड मी विद ऑल द मटीरियल विद ऑल द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑल द दाइन मटीरियल सी एफ लेवल सी एफ विल प्रोवाइड मी विद ऑल द नोट एंड ऑल एवरीथिंग और मैं उसको पैसा दे रहा हूं क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ डेफिनेटली हुआ लेकिन क्या ये मेरे इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है बिल्कुल भी नहीं है लेकिन क्या इसको सप्लाई मानेंगे बिल्कुल इसको भी सप्लाई माना जाएगा ठीक है तो देखो इधर देखिए एज पर सेक्शन सेवन वन बी सप्लाई इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सिंपल सा है ठीक है अब देखो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड नॉट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इस वाले सेक्शन में हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं करेंगे आपके मन में आएगा क्यों सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगती है कस्टम्स ड्यूटी जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगती है कस्टम्स ड्यूटी जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे दैट इज ऑल्सो इन इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे दैट इज कस्टम्स ड्यूटी ठीक है दिस मींस दैट इफ यू इंपोर्ट गुड्स फॉर अ असिडरेशन विच आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इट वोंट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ठीक है तो अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया जो आपके कंसिडरेशन दी लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए नहीं है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा नेक्स्ट देखो सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ अंसिडरेशन होनी चाहिए दिस मीन दैट इफ यू इंपोर्ट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इट वोट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई and then services imported could be in the course of furtherance of business or not this means that even if you import some services for a consideration for a personal use it will constitute a supply it will constitute a supply yes ramaya a proprietor has received the architect services for his house from an architect located in new york at an agreed consideration of $5000 is this a supply अब रमैया जो है वो एक प्रोप्राइटर है उन्होंने यूएस के उन्होंने न्यूयॉर्क के किसी एक आर्किटेक्ट से सर्विसेज अपने घर क्या ये सप्लाई धतिका अंश मनीष श्रेया करिश्मा श्रद्धा आदित्य परी मुस्कान प्रियांशी प्रिया प्रथम एब्सोल्युटली से ठीक है क्यों क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है ठीक है थीके? बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं है इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन अब सुनो मेरी बात हमने क्या किया सेक्शन 7 सेक्शन 7 क्या बताता है सप्लाई बताता है इसका सब सेक्शन 1 1 ए 2 और 3 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स उसके अंदर ए डबल ए बी और सी ए में हम लोगों ने कहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच सेल ट्रांसफर वाटर एक्सचेंज लाइसेंस लीज डिस्पोजल मेड मेड और टू बी बाय पर्सन फॉर अ इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस अब फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस इसी फ्रेज से दो चीजें निकल कर आती हैं कि भाई कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस होना चाहिए मैंने आपसे कहा कि डबल ए के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे और यहां पर हम लोगों ने क्या बात की यहां पर हम लोगों ने कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस कंसिडरेशन हो बिजनेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इट डजेंट मैटर ठीक है कंसिडरेशन हो लेकिन बिजनेस का पर्पस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इट रियली इजेंट मैटर ठीक है इट ड मैटर क्या यह बात समझ में आ रही है आपको क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है यस yes, अब सुनो मजे की बात जिस तरह से बी ने कहा कि हम बिजनेस को तवज्जो नहीं देंगे जिस तरह से बी ने कहा कि बी फॉर बिजनेस हम बिजनेस को तवज्जो नहीं देंगे उसी तरह से सी ने कहा उसी तरह से सी ने कहा कि हम कंसिडरेशन को तवज्जो नहीं देंगे उसी तरह से सी ने कहा कि हम कंसिडरेशन को तवज्जो नहीं देंगे तो ये कह रहे हैं सर्टेन एक्टिविटीज सर्टेन एक्टिविटीज अगर आपने किया जहां पर आपने कंसिडरेशन नहीं भी पे की फिर भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज अंडरटेक करते हो जहां पर आपने कंसिडरेशन नहीं भी पे की लेकिन वो बिजनेस का पर्पज है लेकिन वो बिजनेस का पर्पज है तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा ठीक है ध्यान से सुनना बड़ा मजा आएगा देखो यहां पर बी ने क्या किया बी को इज्जत नहीं दी उसने कहा हो भी सकता नहीं भी होगा चलेगा बाट होनी चाहिए लेकिन कौन सी एक्टिविटी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाली एक्टिविटी उसी तरह से सी ने क्या कहा सी ने कहा कि कुछ तो एक्टिविटीज ऐसी मैं भी निकालूंगा कुछ तो एक्टिविटीज ऐसी मैं भी निकालूंगा जिनमें कंसिडरेशन नहीं भी होगी तब भी चलेगा कंसिडरेशन नहीं भी होगी तब भी चलेगा अगर कंसिडरेशन होगा तब तो वह सप्लाई है ही लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा अब पूछा गया भाई ये तो अच्छा चलो ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात भी मान लेते हैं लेकिन तुम ये तो बता दो तुम्हारी एक्टिविटीज है कहां कैसे पता चलेंगी वो एक्टिविटीज तो बता दो तो इसने कहा कि वो तो शेड्यूल वन में पता चलेंगी इसने कहा वो तो शेड्यूल वन में पता चलेंगी CGSC एक्ट 2017 का शेड्यूल वन देखो वहां पर चार एक्टिविटीज मेंशन है जिन एक्टिविटीज को अगर आपने किया तो भले ही वो कंसिडरेशन के बिना किया हो लेकिन अगर बिजनेस का पर्पज है तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे ठीक है तो यहां पर आकर चार एक्टिविटीज आ जाती है वन टू थ्री फोर ठीक है यहां पर चार एक्टिविटीज आ जाती हैं आई होप दिस इज क्लियर आई होप दिस इज क्लियर ठीक है तो सेवन वन सी ने क्या कहा सेवन वन सी ने कहा एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन आर कंसिडर्ड विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ दे आर मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन तो देखो

ठीक है तो वो आप जैसे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बोलते थे देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया है मैं इतनी चीजें बता दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो ऐसे बोलते थे बड़ा मजा आता था उनकी क्लास करने में ठीक है तो करेंगे प्रणीत बिल्कुल करेंगे अब सवाल आता है कि शेड्यूल वन के अंदर कौन कौन सी चार एक्टिविटीज है तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ एनी बिजनेस एसेट जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा चुका है अब इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप पूरा जीएसटी आराम से समझना मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ठीक है लेट से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट अप्रैल 2024 को और मैंने गुड्स खरीदे मैंने गुड्स खरीदे टेन थाउजेंड रुपीज के ठीक है मैंने एसी खरीदा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मैंने कंप्यूटर खरीदा मैंने कंप्यूटर खरीदा फिफ्टी मैंने कंप्यूटर खरीदा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का ठीक है सब पर सपोज अठारह अठारह परसेंट का जीएसटी लगा सब पर लेट्स से अठारह अठारह परसेंट का जीएसटी लगा देखो दस हजार पर अठारह परसेंट का जीएसटी या आया वन थाउजेंड एट हंड्रेड पचास हजार पर अठारह परसेंट का जीएसटी आया नाइन थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड पर अट्ठारह परसेंट का जीएसटी ये आ गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है ये आ गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड आराम से सुनते रहे ना बड़ा मजा आएगा ये आया आपका वन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस नाइन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड हो गया ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हो गया ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टोटल कितना हुआ आपका ये टोटल हुआ दस हजार प्लस पचास हजार प्लस साठ हजार एक लाख बीस हजार ठीक है ये आ गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा स्टॉक अच्छा पहले तो मैं दिखाऊंगा फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर मैं दिखाऊंगा एसी और कंप्यूटर एसी में कितने का दिखाऊंगा एसी में दिखाऊंगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का एसी सी में दिखाऊंगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कंप्यूटर में दिखाऊंगा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का क्यों सर आपने नाइन थाउजेंड जीएसटी भी तो दिया तो फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज का कंप्यूटर दिखाओ किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या कि कंप्यूटर आपको फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज का दिखाना चाहिए और सॉरी ए सी आपको फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज का दिखाना चाहिए और कंप्यूटर आपको सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड का दिखाना चाहिए किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या जल्दी बताइए किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या नो no. पक्का नहीं आ रहा क्यों क्योंकि जीएसटी का तो आपको क्रेडिट मिलेगा जब आप अपना माल बेचोगे तो आप माल बेचने पर जितना भी पैसा कमाओगे उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो क्या ये जीएसटी आपकी कॉस्ट होगी बिल्कुल भी आपकी कॉस्ट नहीं है सिंपल बात है एकदम पहली क्लास में ही था ये पहली क्लास में था कि जो भी आप जीएसटी पे करते हो उसका तो आपको क्रेडिट मिल जाता है ना उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है चलो लेट से ये जो गुड्स हैं लेट से ये जो गुड्स हैं इनको बेचा इनको कितने रुपए में बेचा इनको सपोज दो लाख रुपए में बेचा इनको सपोज दो लाख रुपए में बेचा दस हजार का माल खरीदा दो लाख रुपए में बेचा पूरी प्रोसेसिंग वगैरह करके सब कुछ कर बढ़िया दो लाख रुपए में बेचा ठीक है क्या ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल पॉसिबल है सरोजनी मार्केट चले जाओ दिल्ली में वहां पर दस दस रुपए का टेम्पर मिलता है दस दस रुपए के मोबाइल के कवर्स मिलते हैं आप बाकी जगहों से लेते हो तो आपको तीन सौ सौ रुपए के मिलते हैं ठीक है आप डिफरेंस देखो मार्जिन तो उतना ही है राइट right? आप मार्जिन देखो ना तो दस रुपए का कवर खरीद कर अगर कोई आपको तीन सौ रुपए में बेच रहा है आपके फोन पे लगा रहे तो बात तो एक तरह से वही होगी दस हजार रुपए का सामान खरीद कर दो लाख रुपए में बेचा जा रहा है ठीक है सपोज इन गुड्स को दो लाख रुपए में बेचा गया सपोज इन गुड्स को दो लाख रुपए में बेचा गया तो सेल वैल्यू आई आपकी दो लाख रुपए ठीक है इस पर जीएसटी कितना आएगा इस पर दो लाख रुपए पर अट्ठारह जीएसटी दो लाख रुपए पर अट्ठारह परसेंट जीएससी आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये आ गया आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज ठीक सेल आ गई आपकी दो लाख रुपए इस पर जीएसटी आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज अगर मैं जीएसटी के बारे में बात करूं तो थर्ट सिक्स थाउजेंड रुपीज क्या मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है जल्दी मुझे बताओ क्या थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है क्योंकि मैंने माल बेचा है माल बेचने पर मैंने जीएसटी लिया है जीएसटी लेने पर मुझे इसको सरकार को जमा करना पड़ेगा क्या थर्ट सिक्स थाउजेंड रुपीज मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है फटाफट से चार्ट सेक्शन में बताओ आप लोग यस yes, ओके okay. तो अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है तो क्या मैं इसमें से ट्वेंटी का क्रेडिट ले सकता हूं से बताओ मुझे. क्या मैं से 21, रुपीस का ले सकता हूं क्विकली मी क्विकली 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 क्या मैं ऋतिका वेरी गुड वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है 21, अधित्य, अधित्य, Very Very nice. मैं इसमें से ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का क्रेडिट ले सकता हूं और मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे सरकार को देना पड़ेगा जीएसटी में सिर्फ चौदह हजार चार सौ रुपए मुझे जीएसटी का क्रेडिट ले चुका हूं क्या मैं इस एसी पर जीएसटी का क्रेडिट ले चुका हूं ये yes नो no? क्या एसी G... पर जीएसटी का क्रेडिट ले चुका हूं क्या मैं इस कंप्यूटर पर जीएसटी का क्रेडिट ले चुका हूं मैंने एसी के लिए जो भी जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मैंने ले लिया मैंने कंप्यूटर पर जो भी जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मैंने ले लिया अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब क्या हुआ कि मैंने इस कंप्यूटर को अपने बिजनेस से अपने घर ले आया मैं मैं इस कंप्यूटर को अपने बिजनेस से अपने घर ले आया अब अगर मैं कंप्यूटर को बिजनेस से घर पे ले आया तो क्या मैं अपने आप को ही पैसे दूंगा मैं ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ था ऑफिस से मैंने कंप्यूटर उठाया मैं घर पे ले आया क्या मैं अब अपने आप को पैसे दूंगा नहीं लेकिन अब अगर ये कंप्यूटर बिजनेस में नहीं रहा तो क्या ये मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा अब ये मेरी बैलेंस शीट पर भी नहीं दिखेगा सरकार कहती है यार तुमने कंप्यूटर खरीदा तुमने ये कह के खरीदा कि तुम बिजनेस पर्पज के लिए खरीद रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए खरीदने के लिए तुमने दस हजार आठ सौ रुपए का क्रेडिट भी ले लिया इसके अंदर से और उसके बाद तुम इसको बिजनेस के लिए तो यूज कर नहीं रहे हो तुम तो इसको घर ले गए तो ये तो ये गड़बड़ है ना लॉजिक लॉजिक एकदम एकदम समझना सरकार कहती है यार तुमने कंप्यूटर क्यों खरीदा था तुमने कहा था कि तुम बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हीं चीजों का मिलेगा जिन जिन चीज़, चीजों को तुम बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो तुम अगर इनको पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा कंप्यूटर तुमने कहा था कि तुम अपने के लिए करोगे, रुपीस का तुमने खरीदा इस पर टेन था एट हंड्रेड रुपीज काउजेंड एट हंड्रेड भी था तुमने जीएसटी का क्रेडिट क्लेम लिया उसके बाद तुम इसको ले जा रहे हो अपने घर पर यह तो गड़बड़ गई ना ये तो सरकार के साथ चिटिंग हो गई ठीक है क्या नो क्या हो गया नो क्या हो गया नो no. बता दो क्या नो no. मैं भी बैठ जाता हूं वानी आपने बोला ना नहीं सर 250 से तो स्टार्टिंग है तो वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पूछ रहे हो आप बताओ तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं, नहीं कर रहे हो तुम लोग यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर क्या होगा क्या, ये क्या, कैसे क्या करेंगे आदित्य डिपिंकी सब लोग नो नो कर रहे हैं उसके बाद बैठ गए दिस इज सो फन एनी वे anyway, अब मैं क्या कर सकता हूं ठीक है तो देखो तो यहां पर सरकार कहती है कि यार आपने आपने कंप्यूटर खरीदा सोचा था आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे और इसके बेसिस पे आपने क्रेडिट ले लिया अब आप उसको बिजनेस से हटा रहे हो और पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हो तो ये तो गलत है ठीक है अब ये गलत है तो आपने फालतू में क्रेडिट ले लिया ना आपने तो बिना मतलब में क्रेडिट ले लिया तो सरकार कहती है कि अगर आपने अपने बिजनेस की एसेट्स में से अगर आपने अपने बिजनेस के एसेट्स में से कुछ ऐसे एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया जिन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके थे तो उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे इवन इफ इट इज मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन

ठीक है अगर आपने इस दस हजार आठ सौ का क्रेडिट नहीं लिया होता और फिर आप उसको घर पे लेके जा रहे हो तो कोई पंगा नहीं होता ठीक है लेकिन आप दस हजार आठ सौ रुपए का क्रेडिट तो ले चुके हो अब क्रेडिट लेने के बाद ना तो सरकार कहती so, है कि सप्लाई तो नहीं है कंसिडरेशन नहीं है इतनी बात समझ में आ रही है यस yes, प्रथम सैदा प्रिया विनय संकेत करिश्मा अल्फिया विनय चलो बहुत बढ़िया अब आपका सवाल आपका डाउट कि यार इसको सप्लाई मान लिया चलो मान लिया कि इसको सप्लाई कंसीडर किया जा रहा है लेकिन व्हाट विल बी द वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू हम जीएसटी लगाएंगे कैसे ठीक है हम जीएसटी लगाएंगे कैसे कंसीडरेशन तो है ही नहीं और अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी भाई जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई आपने मान लिया अब सप्लाई होगा तो उस पर जीएसटी लगेगा ना अब जीएसटी किस पे लगेगा मैं आपको सौ रुपए का माल बेचूंगा तभी तो सौ रुपए के ऊपर अट्ठारह परसेंट का जीएसटी लगाओगे ना हमने कहा कि चलो बिजनेस ने होम को साठ हजार रुपए का कंप्यूटर बेच दिया लेकिन क्या इसकी वैल्यू साठी मानी जाएगी जिस पर जीएसटी लगेगा या इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी कंसिडरेशन तो कुछ लिया नहीं तो इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे आगे कई सारे चैप्टर्स में एक तो चैप्टर एक तो सेक्शन 15 हम लोग पढ़ेंगे पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई वहां पर भी बात होगी थोड़ी बहुत और उसके बाद मेन बात होगी जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर पूरा, पूरा पूरा पढ़ेंगे ठीक है तो जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां इसके बारे में थोड़ी सी और बात होगी बहरहाल जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच बीन टीसीड इज सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन ठीक है इवन इफ इट इज मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन राइट ओके अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं मोटर कार होती है ना मोटर कार मोटर कार मतलब कोई भी गाड़ी ठीक है इसका जो ITC है वो ब्लॉक्ड होता है इसका जो आईटीसी है वो ब्लॉक्ड होता है तो एक हमारे पास होता है सेक्शन 17.5, एक होता है सेक्शन 17.5, सेक्शन 17.5 में कई सारी चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है यह कहते हैं कि आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते मतलब अगर मैंने सपोज छह लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और इसके ऊपर मैंने से जीएसटी दिया सपोज ट्वेंटी छह लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और मैंने सपोज ट्वेंटी एट परसेंट का इस पर जीएसटी दिया वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज का मैंने इस पर जीएसटी दिया तो टोटल मेरी कॉस्ट हो जाएगी सेवन सिक्सटी एट क्योंकि मुझे इस वन सिक्सटी एट का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहां पर कार जब दिखाऊंगा तो सेवन सिक्सटी एट की वैल्यू पर दिखाऊंगा ना कि सिक्स लाख रुपीज की वैल्यू पर अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं बिना कंसिडरेशन के इस कार को अपने पर्सनल यूज के लिए पर्सनल uh, पर्पज के लिए यूज करने लगता हूं तो क्या लॉ इसको भी कहेगा कि यह भी सप्लाई है अब अगर मैं इस कार को मैंने इस पर आईटीसी नहीं लिया है मैंने इस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया है अब अब अगर 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 क्या क्या मैं इसको, अगर, अब अगर मैं इसको इसको अपने बिजनेस से लॉ तो अभी भी बोलेगा इसको, तो, तो क्या ये अभी भी बोलेगा नहीं बोलेगा ना सप्लाई है बस परफेक्ट इतनी ही बात है ठीक है इतनी सी ही बात है आओ देखो. permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets. analysis per. as per para 1 of schedule 1, permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets is considered a supply even if it is without any consideration. It, uh, if an entity makes any kind of disposal or transfer of business assets on a permanent basis, even if the transfer is without any consideration, it is treated as a supply. please note that the transaction is treated as a supply only if itc has been availed earlier.

से बताओ. Dhruv ने अपने, Dhruv ने अपने दे और इन पुराने पर ही ले चुका था। इसने अपने दोस्त को दिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इसको? क्या इसको सप्लाई मानेंगे फटाफट से बताओ क्या मानेंगे ये इसको सप्लाई मानेंगे

वन सी शेड्यूल वन पैरा वन ठीक है सेक्शन सेवन वन सी शेड्यूल वन पैरा वन के हिसाब से ये एक्टिविटी आपकी सप्लाई हो जाएगी नेक्स्ट देखो अ डीलर ऑफ एयर कंडीशन एयर कंडीशनर्स परमानेटली ट्रांसफर मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट परमानेंटली मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट करता है आईटीसी ऑन द साइड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड इज दिस सप्लाई फटाफट से बताओ इज दिस सप्लाई जल्दी बताओ इस मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड था क्या इसको सप्लाई बोलेंगे क्या इसको सप्लाई बोलेंगे क्षितिज प्रनीत धतिका आर्ची आदित्य क्षितिज श्रुतिका नो सप्लाई बिकॉज आईटीपी इज ब्लॉक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है नो सप्लाई बिकॉज आई ब्लॉक्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स रेनोवेशन ऑफ ऑफिस एंड ऑन दैट अकाउंट ट्रांसफर्स इट्स ओल्ड फर्नीचर ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज दिस अ सप्लाई अब बताओ मुझे जल्दी बताओ इज दिस अ सप्लाई

अभी तक की बात बातें समझ में आ रही है क्लियर है ठीक है देखो हमने क्या क्या किया है सेक्शन सेवन वन वन के अंदर चार क्लॉजेस ए ए ए बी और सी ए में क्या है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस प्रिंट लीज डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड बाई पर्सन फॉर कंसिडरेशन दर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस ए ए को मैंने कहा बाद में बात करेंगे बी के बारे में आते हैं तो बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसको सप्लाई मान लिया जाएगा सी में इसने कहा कि कंसिडरेशन नहीं भी हो लेकिन बिजनेस पर्पज होगा तब भी उसको हम लोग मान लेंगे तब ये वैसे ये वाली कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं कि बिजनेस पर्पज होना ही चाहिए कंसिड्रेशन नहीं है तब भी उसको सप्लाई मान लेंगे

या आपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन किया अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज नॉट मेड इवन इफ इट इज नॉट मेड इन द कोर्स इवन इफ इट इज नॉट मेड फॉर एनी कंसिडरेशन इवन इफ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो यहां पर क्या हुआ शेड्यूल वन के पैरा टू ने बोला कि आपके पास अगर आप रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो या डिस्टिंग पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये सप्लाई है इवन इफ इट इज मेड विदाउट एनी अब सवाल दो उठेंगे कि सर ये रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होगा और यहां पर ये डिस्टिंग पर्सन का मतलब क्या होगा ठीक है तो अब रिलेटेड पर्सन का मतलब हम लोग यहां पर समझते हैं आओ देखो एज पर पैरा पैराटू ऑफ शेड्यूल वन

सर ये रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब होता है अगेन सिंपल चीज है जितनी इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है तो पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ तो दो लोगों को हम लोग रिलेटेड पर्सन तब बोलेंगे इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस अगर वो एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं ठीक है मैं अगर आपके बिजनेस का ऑफिसर हूं आप मेरे बिजनेस के ऑफिसर हो तो हम दोनों हो गए रिलेटेड पर्सन अब सवाल आएगा सर ऑफिसर क्या होता है कोई जरूरत नहीं अभी फिलहाल जानने की ठीक है अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सच पर्सन आर लीगली रेकग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस अगर आप और मैं मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आप और मैं रिलेटेड पर्सन हो गए ठीक है क्योंकि हम लोग लीगली रेकोग्नाइज पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में तो आप और मैं रिलेटेड पर्सन हो गए नेक्स्ट, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अगर आप मेरे हो, मैं आपका एम्प्लॉई हूं तो हम दोनों और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल्स और होल्ड ट्वेंटी और मोर ऑफ दैंडिंग वोटिंग स्टॉक मतलब क्या होगा इसका मतलब हो गया कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड ठीक है और ये है Z लिमिटेड Z लिमिटेड ने क्या किया Z लिमिटेड के पास इन दोनों के 25 परसेंट से ज्यादा के शेयर्स हैं ठीक है थीके? तो एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल्स और होल्ड्स 25 फाइव परसेंट और मोर ऑफ दउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ दम ठीक है मतलब इसके भी 25 परसेंट से ज्यादा शेयर्स हैं और इसके पास इसके भी 25 परसेंट से ज्यादा शेयर्स हैं ये है थर्ड पार्टी जेड जेड लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के 25 परसेंट से ज्यादा शेयर्स हैं लिमिटेड के भी शेयर से ज्यादा शेयर्स हैं तो X और y आपस में रिलेटेड हो जाएंगे अगर किसी तीसरे बंदे के पास इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के 25-25 पच्चीस -25 से ज्यादा के शेयर्स हैं तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में रिलेटेड हो जाएंगे ठीक है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगी आगे देखो वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स दी अदर अगर मान लो एक है एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड ये अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रही है तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए फॉर एग्जाम्पल पता लगा वाई के जो वाई लिमिटेड के जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं सब में एक्स लिमिटेड का अप्रूवल चाहिए होता है तो अगर वाई लिमिटेड के सभी मेजर पॉलिसी डिसीजन में एक्स लिमिटेड का अप्रूवल चाहिए तो क्लियर बात है ना कि एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड तो ये दोनों कौन हो गए ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इंडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई अ थर्ड पर्सन ठीक है या फिर मान लो ऐसा है कि यह है एक्स लिमिटेड यह है वाई लिमिटेड यह है जेड लिमिटेड ठीक है एक्स लिमिटेड के जितने मेजर पॉलिसी चेंजेस होते हैं उसमें जेड लिमिटेड का अप्रूवल चाहिए होता है

दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन का मतलब हो गया कि हमारे हमारे पास पास ये 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 और और y limited है 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 ठीक दोनों मिलकर z को कंट्रोल कर रही हैं ये दोनों मिलकर z limited को control कर रही हैं है. तो हम बोलेंगे कि x और y आपस में रिलेटेड पर्सन है ठीक है ये है आपस में रिलेटेड पर्सन और ये वाली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली इफ दे आर में सेम फैमिली तो अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो भी ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं ठीक है थीके? अगर ये एक ही के है, तो भी ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं अब यहां पर फैमिली का क्या मतलब है यहां पर फैमिली का मतलब होता है बीवी और बच्चे दैट्स इट ठीक है यहां पर फैमिली का मतलब होता है बीवी और बच्चे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना ना, नानी नहीं सिर्फ बीवी और बच्चे मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन लड़कियों के लिए पति और बच्चे तो फैमिली का मतलब सिंपली यहां पर क्या है स्पाउस एंड चिल्ड्रन लेकिन हां अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या भाई बहन आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या भाई बहन मतलब मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी और आपके भाई बहन अगर ये तीन लोग आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट हैं तो फिर ये लोग भी आपके रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे मतलब ये लोग भी आपके फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे तो आइडियली लॉ में फैमिली का मतलब क्या हो गया जीएसटी लॉ में हर लॉ में अलग अलग चीजें ठीक है हर लॉ में रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे वहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन अलग होगी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे वहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन अलग होगी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अलग होगी जीएसटी में रिलेटिव की डेफिनेशन अलग होगी इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन अलग होगी ठीक है तो यहां पर अभी हम लोग जीएसटी वाला एक्ट पढ़ रहे हैं तो जीएसटी के अंदर फैमिली का मतलब समझ रहे हैं तो फैमिली मतलब क्या हो जाता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन एंड अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या सिब्लिंग्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स अगर वो आप होली या मेनली डिपेंडेंट है होली या मेनली डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर ये आप कंप्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है ठीक है मतलब आप ही अपने पेरेंट्स के भी सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर रहे हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर रहे हो और आप ही अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की भी सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर रहे हो तो मतलब ये लोग आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है और अगर ये आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ये आपके फैमिली के अंदर कंसिडर किए जाएंगे क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है यस yes? <coughs> जल्दी से बताओ क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है दिव्यांशु पूछे जस्ट अ स्मॉल डाउट वी हैव टू लर्न दीज सेक्शन नंबर्स लाइक वी हैव टू इन लॉ सब याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यस yes, आपको याद करना होगा सब याद नहीं करने जो जो याद करने मैं आपको बताऊंगा और ये सारे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे डोंट वरी ठीक है आ रहा है रौनक डिपिंकी रितिका आरची प्राची आदित्य धतृिका बहुत बढ़िया ठीक है डन गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर ऊपर चैट बॉक्स में दिया हुआ है प्रीति इस पर क्लिक करोगे आप गूगल ड्राइव एक्सेस कर सब लोगे सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं

Say, मेरी कंपनी है निस्टिन लिमिटेड हम किताबें छापते हैं हम किताबें छापते हैं और एक है आपने से धत्रिका ठीक है एक है आपने से धत्रिका एक है आप में से धत्रिका और धत्रिका इज माई सोल एजेंट

persons who are associated in the business of one another in that one is a sole agent or sole distributor or sole concessionaire however described of the other shall be deemed to be related ठीक है अब उसको हम किसी भी नाम से बोल लें तो ये डीम्ड रिलेटेड पर्सन हो जाएगा क्या रिलेटेड पर्सन में यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या रिलेटेड पर्सन में यहां तक की बात समझ में आ रही है यस yes. फटाफट से बताओ मुझे रिलेटेड पर्सन में आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ रही है यस परफेक्ट 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 ठीक है रिलेटेड पर्सन में जितना भी अभी तक है उतना आपको समझ में आ चुका है सिर्फ फैमिली वाली बात है तो फैमिली में आप लोगों को क्या करना है फैमिली में स्पाउस और चिल्ड्रन तो आएगा ही रिलेटेड में मतलब फैमिली में स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये तो है ही आपकी फैमिली ठीक है और बाकी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स ये लोग आपकी फैमिली में तब आएंगे अगर ये आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट हैं तो ये लोग आपके ऊपर ये लोग आपके फैमिली की डेफिनेशन में तब आएंगे अगर ये आप पर होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ठीक है अगर ये होली या मेनली डिपेंडेंट नहीं है तो ये आपके रिलेटेड पर्सन तो मैं मतलब ये आपकी फैमिली के अंदर नहीं आएंगे और अगर फैमिली के अंदर नहीं आएंगे तो ये आपके रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे अब देखो यहां पर जब हम लोग रिलेटेड पर्सन को समझ रहे थे तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ठीक है सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई मतलब यहां पर हम लोगों ने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में है तो ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं लेकिन सुनो लेकिन सुनो एक हमारे पास आएगा आगे चलकर शेड्यूल थ्री एक हमारे पास आगे चलकर आएगा शेड्यूल थ्री इसी सेक्शन सेवन के अंदर ही हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे शेड्यूल थ्री में लिखी हुई है कुछ ऐसी एक्टिविटीज शेड्यूल थ्री में लिखी हुई है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ मानते हैं ठीक है जिनको ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और ना ही इनको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ मानते हैं तो ये शेड्यूल थ्री की एक्टिविटीज हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहां पर जो सबसेक्शन वन है वो बताता है सप्लाई इंक्लूड्स जो शन वन ए है वो बताते हैं कि देखो तुमने ये तो बता दिया कि सप्लाई सप्लाई में सप्लाई क्या क्या है अब ये भी तो पता करना है ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो वो सेक्शन वन ए बताएगा और उसके बाद आता है हमारे पास सबसेक्शन टू, सब टू बताते कि ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है एक्टिविटीज इज ना इधर ट्रीटेड ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उसके अंदर हमारे पास आता है शेड्यूल थ्री तो शेड्यूल थ्री के अंदर वो बहुत सारी चीजें मेंशन है जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है और उसमें ये है सर्विसेज़ बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहा है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा नहीं तो आप सोच के देखो अगर ऐसा कर दिया होता लॉ ने तो आज जितने भी लोग जॉब कर रहे होते उन सबको जीएसटी के कंप्लायंसेस में उलझना पड़ता ठीक है उन सबको जीएसटी के कंप्लाइंस में उलझना पड़ता तो यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है एज एन इंप्लॉई एज एन एम्प्लॉय अगर सर्विसेज दे रहा है तो उस पर उसको सप्लाई नहीं मानेंगे उसको उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो जो इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है इवन दो दे आर कंसिडर्ड एज इवन दो दे आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉ रिलेशनशिप है इवन दो दे आर एज रिलेटेड लेकिन क्या उनके बीच में ट्रांजेक्शन होने को हम लोग सप्लाई बोलते हैं उनके बीच में जो होते हैं क्या उसको सप्लाई बोलते हैं उसको बिल्कुल भी सप्लाई नहीं बोलते लेकिन सुनो हम तो यहां पर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन की जिनमें कंसिडरेशन है ही नहीं ठीक है तो देखो ध्यान से सुनना देखो सर्विसेज बाई एम्प्लॉ टू एम्प्लॉयर इवन दो

जो विदाउट कंसिडरेशन हो रहे हैं। और विदाउट कंसिडरेशन के लिए यहां पर जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी गिफ्ट अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को गिफ्ट देता है पचास हजार रुपए तक की वैल्यू का अगर गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई नहीं मानते लेकिन अगर पचास हजार रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट देता है अगर पचास हजार रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई मान लिया जाता है ठीक है मैं सारी चीजें कंसोलिडेट करा दूंगा बिल्कुल परेशान मत हो अभी बस जितना जितना मैं बोल रहा हूं उतना उतना सुन के ग्रास करते रहो बाकी तो मैं सारी की सारी चीजें अभी कंसोलिडेट कराई दूंगा डू दू नॉट वरी एट ऑल ठीक है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में यू हैव टू रिमेंबर दीज टू पॉइंट वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर पचास हजार रुपए तक की वैल्यू का गिफ्ट देता है इंप्लॉय को तो उस पर कोई जीएसटी इंप्लीकेशन अट्रैक्ट नहीं होते लेकिन अगर एम्प्लॉयर पचास हजार रुपए से ज्यादा की वैल्यू देता है पचास हजार रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट देता है तो फिर आ, तो फिर इसको सप्लाई मान लिया जाता है ठीक है अब लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं. तो का एक के तौर पे मैं आपको बताता हूं जैसे मेरा भाई है आ, मेरे भाई ने 2016 में लार्सन एंड टूबरू कंपनी में जॉब ज्वाइन किया ठीक है बनारस में ऑफिस था अब हम लोग यहाँ पर प्रयागराज में रहते थे तो बनारस में जब वो जॉब करने गया तो बनारस बनारस में लार्सन एंड टूबर ने क्या किया था उन्होंने कोई एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रखा था तो उन्होंने मेरे भाई को कहा कि तुम यहीं पर रह सकते हो बस बात खत्म तो इसको बोलते हैं हम लोग कि अब अगर मान लो कंपनी ने वो अकोमोडेशन नहीं दी होती तो मेरे भाई को कोई ना कोई अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती ढूंढनी पड़ती तो उसको किराया वगैरह देना पड़ता कंपनी ने कहा तुम टेंशन मत लो हम तुमसे कोई किराया नहीं लेंगे ऑफिस के बगल में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है तुम जाओ उसमें ये वाले फ्लैट नंबर में जाके रहना शुरू कर दो सारी फैसिलिटीज तुमको वहां पर मिल जाएंगे तो इस टाइप की कई सारी और भी चीजें होती हैं ठीक है, जैसे किसी इंप्लॉय को लैपटॉप मिला तो लैपटॉप इज परक्विजिट तो सैलरी के अलावा कोई और परक्विजिट कहते हैं हम लोग डिटेल में इनकम टैक्स में बात करेंगे, जब वाला करेंगे तो ठीक है तो अब देखो इंप्लॉयर टू इंप्लॉय अगर आपको मिल रही है तो क्या होता है सिंस सर्विस प्रोवाइड बाई इंप्लॉई टू दीप्लॉयर आर नॉट ट्रीटेड एस सप्लाई दस टू दाई वे ऑफ परक्ट एज पर द कॉन्ट्रक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन दम वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी परक्विजिट क्यों मिल रही है क्योंकि इंप्लॉई अपनी सर्विसेज दे रहा है और इंप्लॉय की सर्विसेज तो वैसे भी जीएसटी के स्कोप से बाहर है ना शेड्यूल थ्री में भी अभी हम लोगों ने देखा ठीक तो इसीलिए अगर कोई परक्विजिट भी मिल रही है तो उस पर भी कोई सप्लाई नहीं लगेगा Any perquisites provided by employer to the employees in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee are in lieu of services provided by employee to the employer in relation to his employment it follows therefrom that the perquisites provided by employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and employee will not be subjected to gst

रिलेटेड yes. पर्सन है उसके बाद देखो क्यू लिमिटेडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड क्वालिटी आर लिमिटेड की कॉर्पोरेट पॉलिसी में ऑपरेशन मैनेजमेंट में और क्वालिटी में क्यू लिमिटेड का डिसाइडिंग रोल है आर लिमिटेड की कॉर्पोरेट पॉलिसी में ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल में क्यू लिमिटेड का डिसाइडिंग रोल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड रिलेटेड पर्सन है से दैट ठीक है ये रिलेटेड पर्सन है अब सुनना मेरी बात आराम से अभी तक जितना भी किया है मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं सारी चीजों की कंसॉलिडेटेड पिक्चर बन जाएगी डू नॉट वेरी देखो सेक्शन सेवन सप्लाई ठीक है सेक्शन सेवन सप्लाई इसके अंदर चार सबसेक्शन है वन वन ए टू और थ्री वन वन ए टू और थ्री वन के अंदर चार सब हैं। अच्छा वन बात करता है सप्लाई इंक्लूड्स वन कहता है सप्लाई इंक्लूड्स और सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर हमारे पास आता है ए ए ए बी और सी ए ए बी और सी ए क्या बोलता है

कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ कर रहे हो अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ कर रहे हो तो कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो भी इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे सी ने क्या कहा कि एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन जो शेड्यूल वन में एक्टिविटीज हैं उनमें कंसिडरेशन अगर नहीं भी होगा उनमें कंसिडरेशन अगर नहीं भी होगा तब भी हम उसको तब भी हम उनको सप्लाई मानेंगे ठीक है सेवन वन सी ने क्या कहान नहीं भी होगा तब भी हम इसको सप्लाई मानेंगे हमने पूछा भाई ठीक है तुम्हारे अंदर क्या है तो शेड्यूल वन के अंदर चार एक्टिविटीज है शेड्यूल वन के अंदर चार एक्टिविटीज मेंशन है वन टू थ्री फोर वन में हमने बात की परमानेंट ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अबील्ड ठीक है अगर आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन पर आप आईटीसी ले चुके हो और अब आप उन्हें परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो इवन इफ यू आर डूइंग दिस विदाउट एनी कंसिडरेशन फिर भी उस पर जीएसटी फिर भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा सप्लाई माना जाएगा जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा कैसे लगेगा बहुत बात की बात है पैरा टू में हम लोगों ने बात की रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है विदाउटेशन तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और अगर डिस्टिंग के बीच में हो रहा है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा फिर हमने रिलेटेड पर्सन को समझना शुरू किया कि यहां पर क्या चीजें होती हैं तो रिलेटेड पर्सन में बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि अगर आ, हम दोनों पार्टनर्स हैं तो फिर हम रिलेटेड पर्सनस हैं अगर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं या आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो तो हम रिलेटेड पर्सन हैं अगर हम दोनों को मिलकर कोई तीसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है तो हम दोनों रिलेटेड पर्सनस हैं अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम रिलेटेड पर्सनस हैं अगर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉ हैं तो हम रिलेटेड पर्सनस हैं एंड सो ऑन और एक जो चीज यहां पर आई कि अगर हम सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो हम रिलेटेड पर्सनस हैं ठीक है अगर हम फैमिली मेंबर्स हैं तो हम रिलेटेड पर्सन हैं और यहां पर फैमिली का मतलब क्या हो गया यहां पर फैमिली का मतलब हुआ दो चीजें स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये तो हमेशा ही फैमिली है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये तो हमेशा ही फैमिली है लेकिन पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स ये लोग आपकी फैमिली तब होंगे जब ये लोग आपकी फैमिली तब होंगे जब ये आप पर होली या मेनली डिपेंडेंट होंगे अगर ये आप पर होली या मेनली डिपेंडेंट नहीं है तो ये आपकी फैमिली नहीं मानी जाएंगे ठीक है अब मैं आपको यहां पर चार्ट में भी दिखा देता हूं कि कहां कहां ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो देखो ये हो गया क्लियर दिस सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन के अंदर सबसे पहले सेक्शन uh, वन सबसेक्शन वन ए सब सेक्शन टू और सब सेक्शन थ्री ठीक है सबसेक्शन वन के अंदर हम लोगों ने बात की सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर यहां पर चार चार ए, ए ए बी और सी ठीक है अब ए में क्या आ गया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एस सेल ट्रांसफर वाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड बाई अर्सन फॉर अंसिडरेशन कंसिडरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बातें की डिपोजिट को कंसिडरेशन माना जाएगा क्या नहीं क्यों क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक कंसिडरेशन नहीं अगर आर्ट वर्क आपने भेजे गैलरी में तो इसको कंसिड्रेशन माना जाएगा क्या नहीं जब तक परचेज नहीं हो जाता तब तक इसको कंसिड्रेशन नहीं मानेंगे अगर डोनेशन हुए तो तो इनको कंसिडेशन माना जाएगा क्या नहीं जब तक क्विट प्रोक वो नहीं होता तब तक डोनेशन को कंसिडेशन नहीं माना जाएगा नो क्लेम बोनस को कंसिडेशन माना जाएगा क्या बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है एंड इट हैज इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस ठीक है तो अब इन दोनों चीजों से खेला है कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंने कहा कि ये जो ए ए है इसके बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन हाँ बी के बारे में जरूर बात करेंगे तो बी में मैंने कहा इंपोर्ट ऑफ 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 फॉर अ वेदर नॉट इन द कोर्स बिजनेस ये आपके लिए सप्लाई हो जाएगी और उसके बाद हम लोग सी पर आ गए और ये आया एक्टिविटीज इन शेड्यूल अंडरटेकिंग विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल एक्टिविटीज को अगर आपने बिना कंसिडरेशन के लिए भी अंडरटेक किया तो ये आपका क्या हो जाएगा तो ये आ, 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 सप्लाई मान लिया जाएगा इसमें जो पैरा वन है वो क्या बोल रहा है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस में हम लोगों ने बात की ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन या ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंग सेक्शन ट्वेंटी अब डिस्टिंग सेक्शन ट्वेंटी के बारे में हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या हो गया Persons are related if they persons related कब माने जाएंगे? If they hold positions of control in each other's business, if they are partners, if they are employer and employee. अब देखो employer-employee में services in terms of employee uh, employment, salary or perquisite को supply नहीं माना जाएगा, लेकिन gift by employer to employee 50,000 रुपए तक है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, 50,000 रुपए के ऊपर है तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली बात आ गई और रिलेटेड पर्सन और कौन कौन से हो सकते हैं शेयर सिग्निफिकेंट स्टॉक ओनरशिप अगर 25 परसेंट से ज्यादा का स्टॉक में आपका होल्ड कर रहा हूं तो मैं और आप रिलेटेड पर्सन हैव या इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर इच अदर आर कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पार्टी कंट्रोल अ थर्ड पार्टी टूगेदर या आर फैमिली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स में स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज योर रिलेटिव पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर योर रिलेटिव ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है आप लोग देख रहे हो इस चार्ट में कैसे सारी की सारी चीजें कंसोलिडेटेड वे में यहां पर दी हुई है यस yes. <coughs> आप लोग देख रहे हो कैसे इस चार्ट में दी हुई हा मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा ठीक है मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा डिपिंकी डोंट वरी श्रद्धा डोंट वरी मैं अभी तुरंत इस चार्ट को अपलोड कर दूंगा इसमें ड्राइव पे ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट लेकिन क्या ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है श्रेया पूछ रही है जीएससी थ्योरी है या प्रैक्टिकल दोनों है दोनों है ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा कम होता है थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन इवेंचुअली हाँ जो आता है फाइनली वो प्रैक्टिकली आता है राइट फिफ्टी फिफ्टी मान सकते हो आप फिफ्टी परसेंट प्रैक्टिकल फिफ्टी परसेंट थ्योरी लेकिन ये जो थ्योरी ना इसके बेसिस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे राइट right? चलो थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू टुमारो एट टेन फिफ्टीन ए एम अपना ध्यान रखिए